नमस्कार, हाय एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल प्री 2022 का जो एग्जाम था अभी हुआ ही था कि आंसर की आउट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल प्री 2022 का जो एग्जाम था। ओके जी, चलिए मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा कि एसएससी सीजीएल प्री 2022 का एग्जाम अभी जस्ट खत्म ही हुआ था कि आंसर की आउट हो चुकी है। और आप लोग को ये बात खैर पहले से पता होगी कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके अंदर जो आपका एसएससी सीजीएल प्री था वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा लोड और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग है तो आपको जो पूरा का पूरा मेहनत अपना शिफ्ट करना है वो आपको मेंस के ऊपर करना है, क्योंकि जो भी आपका सिलेक्शन होगा या जो भी आपका रैंक सिक्योर होगा वो मेंस के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सारे बच्चों को एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा। ठीक है, एक बार मैं कमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सारे बच्चों को एक चीज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को एक सेकंड रुकना बच्चे, चलो जी एक सेकंड रुकना बच्चे। ओके, हाँ जी, चलो भाई मैं क्या कह रहा था, एक बार आवाज वगैरह को लेकर के आप लोग बता दीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो मैं एक सलाह पहले देना चाहूंगा आप सभी बच्चों को कि इस टाइम आप YouTube के ऊपर देख रहे होंगे हर कोई कट ऑफ का ढिंढोरा पीट रहा है। ठीक है, कि ये कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी, तो अगर आप पूरा का पूरा फोकस अपना यूट्यूब के ऊपर रखेंगे ऐसे मल्टीपल वीडियोज और चैनल पे तो एक दिक्कत आपके साथ ये होने वाली है कि आपके मेंस की जो तैयारी है वो छूट जाएगी। अगर आपने आपका अगर आपको लगता है कि आपके 90 मार्क्स भी बन रहे हैं, आपके 100 मार्क्स भी बन रहे हैं या आपके 120 तक जा रहे हैं तो आपको करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो नॉर्मलाइज होने के बाद आपका स्कोर इतना हो जाएगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जो एसएससी सीजीएल 2022 है आपका, ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो जो टोटल वैकेंसी है आपकी, टोटल वैकेंसी वो है तकरीबन इस बार जो आई हुई थी आपका 38,000 वैकेंसी है, 38,000। और अभी मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा, पूरा कट ऑफ दिखाऊंगा कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो 38,000 यहाँ दी गई है। इस बार जो आपके शिफ्ट में पेपर हुए थे 1 से 13 तारीख तक आपका पूरा का पूरा पेपर चला था। ठीक है, 1 से 13, जिसमें 40 शिफ्ट हुए थे, टोटल 40 शिफ्ट हुए थे और 16 लाख कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा 16 लाख कैंडिडेट ने जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, अब अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कैटेगरी वाइज तो ये पूरा का पूरा जो 38,000 वैकेंसी है इसमें जो जनरल कैटेगरी थी उनके लिए 16,545 वैकेंसी है, जो ओबीसी है उनके लिए 8,587 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,850, एससी के लिए 5,823 और एसटी के लिए है 3,031। तो ये टोटल एक्चुअली बनते हैं 37,836। ठीक है, जिसमें से ये जो 3,037 है वो ईएसएम के लिए है और इंस्पेक्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंस्पेक्टर के लिए भी अलग से 5,000 की आपके सामने वैकेंसी है। ठीक है, कुछ बातें और करेंगे हम लोग इसके अलावा। देखिए, अगर मैं सीजीएल प्री 2022 की इस बार बात करूं आप लोगों से तो ये डेटा जो है आपके सामने 2018 से 2022 तक का है। ठीक है, 2018 में जो फॉर्म फिल किए गए थे वो तकरीबन 25 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो तकरीबन 8 लाख लोग अपीयर हुए थे और वैकेंसी देखिए कितनी थी, 11,100 वैकेंसी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 में तो 21 लाख लोगों ने और अपीयर हुए थे 9 लाख और वैकेंसी आई थी 8,500, सिर्फ इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि इस बार की जो वैकेंसी है वो 37,000 है। 2020 में 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, कैंडिडेट अपीयर हुए सिर्फ और सिर्फ 7 लाख और 7,035 बस इतनी वैकेंसी थी। 2021 में 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 8 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए, 7,686 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार देखो आप 2022 में 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 16 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, 37,000 की वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो कम से कम 4 से 5 गुना 6 गुना वैकेंसी ज्यादा इस बार आया हुआ है। तो यहां पे आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर अपना
जॉब अगर इस बार आप चाहते हैं कि सुनिश्चित कर लें तो ये मुझे लग रहा है बहुत सुनहरा अवसर है। इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी शायद, मैं बता रहा हूँ, शायद ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको 125,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बच्चे बात करें हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 की ही मैं बात करूंगा। ठीक है, अब इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज कैसे किया हुआ है मैंने, कैटेगरी वाइज। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो 8.35 लाख इतना आपके जनरल कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, और अपीयर हुए हैं सिर्फ 4 लाख लोग। और जो आपका, ये भी अभी मैं बात करूंगा, अभी इधर देखिए ओबीसी में तकरीबन 13 लाख, ठीक है, और उसमें अपीयर हुए हैं 6.5 लाख। ईडब्ल्यूएस में 2.27 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं और उसमें अपीयर हुए हैं 1.10 लाख। एससी में तकरीबन 7.31 लाख और उसमें अपीयर हुए हैं 3.5 लाख। एसटी में देखा जाए तो 3.1 लाख और अपीयर हुए हैं 1.5 लाख। यानी ये जो टोटल है ये 34 लाख, ठीक है, उसमें से फॉर्म कितने फिल किए गए कैटेगरी वाइज और कितने लोग अपीयर हुए हैं, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब पहले तो सर 95.5 ओबीसी कैटेगरी, कोई चांस है? बिल्कुल चांस है। अभी आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके चांसेस हैं या नहीं है, कितना जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये चीजें लेकर के क्यों बता रहा हूं, जिससे आप सही में समझ पाए कि कट ऑफ कितनी आनी है। ठीक है, देखो मैं एग्जैक्ट डेटा तो आपका कट ऑफ का नहीं बता पाऊंगा भाई, वो तो एसएससी ही डिसाइड करेगी, लेकिन जिस तरीके से मैंने पूरी चीजों को एनालाइज किया हुआ है और आप भी मेरे साथ पूरी वीडियो को अभी 10 मिनट में खत्म करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कितनी कट ऑफ आनी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट इस बार मैं एवरेज अटेम्प्ट की आप लोगों से बात करूं। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट क्या था, यहां पे देखिए सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ठीक है, यहां पे आपके अटेम्प्ट होंगे, यहां पे मार्क्स होगा और ये जो आपका है ये एक्चुअली एवरेज कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एवरेज थे। अब यहां पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट किया गया वो अटेम्प्ट किया गया 23। ठीक है, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ लोगों ने 25 किया हो सकता है कुछ लोगों ने 18 किया हो, कुछ लोगों ने 19 किया हो, कुछ लोगों ने 17 किया हुआ है, लेकिन उसका जो एवरेज निकाला गया वो एवरेज तकरीबन आपका कितना था, 23 था। ठीक है, मैथ्स में एवरेज जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो 18 अटेम्प्ट किया हुआ है, इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट किया गया है। वैसे आप रीजनिंग में देखें तो बच्चे हमेशा से रीजनिंग में ज्यादा ही करते हैं, रीजनिंग थोड़ी इजी भी आती है। ठीक है, और उसमें अच्छा खासा वो मार्क्स भी स्कोर करते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है लोगों का वो 15 रहा है, यानी टोटल यहां पे देखा जाए तो 76 अटेम्प्ट किए गए हैं। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं, एवरेज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, ये फ्लैक्चुएशन होगा, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां जो अटेम्प्ट मैं बता रहा हूं आपको एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूं, जो मैं मार्क्स बता रहा हूं वो एवरेज मार्क्स बता रहा हूं। यहां पे ये जो अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं, बढ़िया कैंडिडेट हैं, ये उनके मार्क्स हैं। उनके एवरेज मार्क्स जो रीजनिंग में बन रहे हैं वो बन रहे हैं 41, और जो उनके मैथ्स में बन रहे हैं वो बन रहे हैं 30, और जो इंग्लिश में बच्चा बना पा रहा है वो 30 बना पा रहा है, एवरेज मार्क्स की बात हो रही है, और जो जीके में है वो 19। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इतने ही मार्क्स होंगे, फ्लैक्चुएशन हो सकता है, या तो एवरेज की बात हो रही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, और ये वैसे बच्चे हैं जो थोड़े एवरेज कैंडिडेट हैं, उनकी जो रीजनिंग में बन रही है वो एवरेज 38 बन रहा है, और जो उनका मैथ्स में बन रहा है वो 28 बन रहा है, इंग्लिश में बच्चे 30 तक जा रहे हैं, और जीके जो है वो आपका 14 है। मतलब यहाँ पे देखिए 120 और यहाँ पे 110। खैर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी एक नंबर का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, चाहे वो सिलेक्शन हो चाहे वो रैंक हो, तो खैर ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा जी, सारी बातों को मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ये सारी बातों का जवाब दूंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। अब देखिए यहां पे जो शिफ्ट हुआ था आपका एसएससी सीजीएल प्री 2022 का जो शिफ्ट हुआ था, उसमें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो थे उसको भी समझिएगा। यहां पे जो आपके हार्ड शिफ्ट हुए 8 दिसंबर में, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट था, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक है, यहां पे ये आपका फोर्थ शिफ्ट है, पहला शिफ्ट और ये पहला शिफ्ट। तो 8 दिसंबर का जो पहला शिफ्ट था वो हार्ड था, काफी हार्ड था, डिफिकल्ट था। जो 1 दिसंबर का चौथा शिफ्ट था वो भी हार्ड आया था, 5 दिसंबर का जो पहला शिफ्ट था वो हार्ड था, 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट वो भी हार्ड था, 3 दिसंबर का पहला शिफ्ट वो भी हार्ड था। अब देखिए ऐसे बच्चे जो हार्ड शिफ्ट में आए थे, ठीक है, मतलब जिनका पेपर हार्ड
था जो ऐसे शिफ्ट में आए जिनको ऐसे पेपर का सामना करना पड़ा, तो आप लोग यहाँ पे घबराइएगा मत, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, जो आपका रॉ स्कोर है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या बोले आप उसको, इक्वलाइजेशन बोल सकते हैं। तो जिन लोगों का, अब देखिए अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं, तो ये जो 12 दिसंबर का पेपर हुआ था चौथा शिफ्ट, ये काफी इजी था, ठीक है। अब आप ऐसे सोच के देखो, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो 8 दिसंबर में बैठा, ठीक है, पहले शिफ्ट में उसने 90 मार्क्स मान लीजिए उसके आ रहे हैं, ये जो इजी शिफ्ट वाला जो 12 दिसंबर चौथा शिफ्ट बच्चा दिया, मान लीजिए उसका 120 आ रहा है, तो आपने ये नहीं सोचना भैया ये तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो गया कि ये जो है वो तो 120 मार्क्स लेकर के गया, हमारे तो बस 90 मार्क्स आ रहे। नहीं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, हर बार होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला जो रूल है वो लगेगा, और आपका कम से कम इतना मान के चलिए लगभग 90 है तो आप 110, ठीक है, यहां तक आप वैरी कर सकते हैं। और जो इनका होता है, इनका नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कोर एक तरीके से नहीं बढ़ता है, इतना रेयर बढ़ता है, इतना कम बढ़ता है जिसका ना के बराबर, ना के बराबर मतलब जैसे मान लीजिए 0.50 बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया, दो नंबर बढ़ गया या नहीं बढ़ा। लेकिन ये जो बच्चे हार्ड शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं वो घबराएंगे नहीं, ना तो उनको रोना है बैठ करके, हमारा तो हार्ड शिफ्ट में आ गया, काश मेरा इजी शिफ्ट में आया होता। अगर आप करके आए होंगे, अगर आपका 80 बन रहा होगा या आपका 90 बन रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन में आप चले जाओगे, आप जो कट ऑफ है वो क्लियर करोगे अगर आपने पेपर बेहतर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके थे हार्ड शिफ्ट और इधर के थे आपके इजी शिफ्ट, ठीक है। और सुनिएगा मेरी बात, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से एसएससी सीजीएल 2022 के, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं यहां पे, ठीक है, देखिएगा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। चलिए पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, वैकेंसी वाइज हम लोग इसको पूरा का पूरा चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है। वो क्या है वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, देखिए 2016 में वैकेंसी एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं थी, मुझे फिर भी मैं बता देता हूं, जो यहां पे कट ऑफ बनी थी वो जनरल की 137 बनी थी, ओबीसी की 125 बनी थी, एससी की बनी थी 114, एसटी की बनी थी 103। 2017 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 126 गई थी, ओबीसी की 110 गई थी, एससी की 98 गई थी और एसटी की 88 गई थी। अगर 2018 में देखेंगे, ठीक है, वैकेंसी भी साथ में देख सकते हैं, 2017 में 9276 वैकेंसी मात्र थी और 2018 में 11271 वैकेंसी थी, जिसमें कट ऑफ जो जनरल की 137 थी, ओबीसी का 131 था, एससी का 110 और एसटी जो कैंडिडेट थे उनका 130 था, 130, ठीक है। सर 110 मार्क्स एससी कैटेगरी, एनी चांस फॉर मेन सर, पूरा चांस है सोनिया, अभी सुनते जाओ, दो मिनट का समय दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, इसके बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे देखो 2019 में जो वैकेंसी थी वो 8428 वैकेंसी मात्र थी और 147 जो मेरे भाई कट ऑफ गई थी वो जनरल कट ऑफ गई थी आपकी, और ओबीसी की 135 थी और आपका ईडब्ल्यूएस का 135 था, एससी का 115 था और 104 एसटी का था। उसी तरीके से अगर देखें 2020 में जो आपके सामने वैकेंसी है 7035 था, 2021 में 7686 था, जनरल का देखिए कट ऑफ 132, ओबीसी का 119, 109 आपका ईडब्ल्यूएस का था, 100 कट ऑफ गई थी एससी की, 93 क्या गई थी आपकी एसटी। अच्छा इन सारी चीजों से आप ये रिलेट कर पाएंगे ना इस बार का क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है, ठीक है। जैसे 2021 में देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 130 गई और 117 जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी की गई थी, AWS की 109 गई थी, 94 गई थी एससी की और एसटी की गई थी आपकी 81, ESM की देखिए 42 गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 2022, ये मुद्दा आपका है, ठीक है, यही जानने के लिए आप यहां पे आएंगे, सर 2022 है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, इसका कट ऑफ क्या जाएगा, कैसे जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो 2022 का आपका पेपर रहा, इसमें जो पेपर का लेवल था वो इजी था, मतलब कंपैरिजन अगर आप करेंगे बाकी जो है आपके 2016 से लेकर के 2021 तक का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे ये जो 2022 का पेपर का लेवल था ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज इजी, ये आसान था कंपैरेटिवली, ठीक है। अब आते हैं देखिए यहां पर एसएससी सीजीएल 2022 सेफ स्कोर की आप लोग बात कर रहे हो, यहां पे बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा इतना बन रहा है, ठीक है, सर मेरे 109.5 ओबीसी एनी चांस, ठीक है, 115 ओबीसी सेकंड शिफ्ट, शिफ्ट 4, ठीक है, 2 दिसंबर शिफ्ट 4। एक चीज ये तुम लोग मिला लेना मेरे भाई, यहां पे ये चीज आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है,
क्या लिखा है बच्चे ने, 2 दिसंबर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा दिन है, दिन दो मुझे, ठीक है। चलो ये तुम लोग एक बार मिला लेना। यहाँ पे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की मैं बात करूं, जो भी बच्चे हार्ड शिफ्ट में आए हैं, चाहे वो 8 दिसंबर में, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, जिन बच्चों का इसमें पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर उनका शिफ्ट 8 दिसंबर का पहला रहा है, 1 दिसंबर में चौथा रहा है, 5 दिसंबर में पहला रहा है, 2 दिसंबर में पहला रहा है और 3 दिसंबर में पहला रहा है, टेंशन मत लेना। अगर हार्ड शिफ्ट में आए हो तो नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर तुम्हारे 80 बन रहे हैं तो तुम 80 पे रहोगे, 90 बन रहे हैं तो 90 पे ही रहोगे। और ऐसा कभी मत करना मेरे भाई कि तुम तैयारी करना मेंस की छोड़ दो। इस बार क्वालिफाइंग है, अगर मान लेते हैं, चलो एक बार को मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे नहीं हुए, लेकिन अगर तुम मेंस की तैयारी करोगे तो 2023 के लिए तो तैयार करोगे खुद को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना। अभी से ये सोच के बैठ जाओगे अरे मेरा क्या होगा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी अपना कंसिस्टेंसी के साथ रखना है। ये जो खेल चल रहा है कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ क्या होगा, उसमें 10 वीडियोस देख करके खुद को डिमोटिवेट मत करो, डेमोलाइज मत करो खुद को, ये मेरी सलाह है। यही बहुत सारे बच्चे इस टाइम कर रहे हैं क्योंकि वो कट ऑफ के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। बच्चा बता रहा है क्या, 1 दिसंबर, 2nd, देखो 1 दिसंबर, 2nd नहीं भाई, हार्ड शिफ्ट यही है आपके सामने, ठीक है। तो 1 दिसंबर का चौथा शिफ्ट हार्ड आया हुआ था, 1 दिसंबर का 2nd शिफ्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ पे, अगर आप, जब हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ का, देखो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जो मेंस में के लिए वो तैयारी कर सकता है। बच्चे यही सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, अगर एक बार ये पता चल जाए कि भाई कट ऑफ हम क्लियर कर पा रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए, ठीक है, मेंस के लिए जाना चाहिए, किसी का फिर कोर्स खरीदें, फिर अपनी तैयारी शुरू करें। मैं बोलूंगा कि ये काम आप मत करो, ठीक है, ये मेरी तरफ से सलाह है कि ये काम मत करो। जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं या जिनकी जिनको जॉब करनी है किसी हालत में, ये वाली सोच पहले निकाल दो, मेंस के लिए लग जाओ, ठीक है। अब आते हैं भाई इस वाले बात पे, एसएससी सीजीएल 2022 का सेफ स्कोर क्या है। देखो अगर आप लोगों ने जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई, अगर 2016 से लेकर, ठीक है, 2021 तक अगर आप एक चीज एनालाइज करो, एसएससी क्या करती है, अपने वैकेंसी का 10 गुना, ठीक है, अभी मैं हर बात आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, उनकी जो वैकेंसी होती है, मैं लगभग बता रहा हूं, 10 उसका 10 गुना, 10 टाइम्स या उसका 15 टाइम्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, कैंडिडेट्स को बुलाती हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर इस बार 36,000 मान लीजिए वैकेंसी है, समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर 36,000 वैकेंसी है, अगर वो कैंडिडेट 15 गुना, ठीक है, क्या ये बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, तो स्कोर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं वैकेंसी का, ठीक है, 15 टाइम्स अगर बात करूं तो तकरीबन ये होगा 5 लाख, ठीक है, समथिंग 5 लाख समथिंग। तो अब मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, अगर 36,000 का 15 गुना हम करते हैं, जो कैंडिडेट को अगर बुलाना चाहते हैं उस हिसाब से अगर वो कट ऑफ सेट करेंगे तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, वैकेंसी का 15 टाइम्स करती थी हमेशा से, अगर देखा जाए लगभग 15 गुना करती थी, तो अगर 36,000 का 15 गुना किया जाए तो लगभग 5 लाख समथिंग जाएगा। इसके हिसाब से अगर कट ऑफ अगर वो डिसाइड करेंगे तो कट ऑफ बहुत इजी जाएगी। तो लगभग, अब एक चीज और सुनिएगा, ये एग्जैक्ट डेटा मत मानिएगा, ये तो खैर एसएससी डिसाइड करेगी कि वो 10 गुना पे जाएगी, 15 गुना पे जाएगी या 12 गुना पे जाएगी। जो अभी तक का एनालिसिस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो जनरल की कट ऑफ है 110 जानी चाहिए, ठीक है, पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। ओबीसी की 100 जानी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की 94, एससी की 76, एसटी की 70 और ईएसएम का कितना जाना चाहिए, 45। अगर मान लीजिए जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के हिसाब से इस बार अगर 10 गुना को अगर वो डिसाइड करती है बुलाने का, ठीक है, और अगर उस हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड करती है तो वो नॉर्मलाइज वगैरह करके, मैं बता रहा हूं नॉर्मलाइज वगैरह करके, तो वो जनरल की 115, ओबीसी की 105, ईडब्ल्यूएस 98, एससी 82, एसटी 75, ईएसएम का कितना बनेगा, 50। अब ये हमने किस पर बात करी, ध्यान से समझिए, ये हम लोगों ने बात करी पूरे जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस
करते हुए हम लोग आए हैं। एसएससी ने जो अब तक की चीजें करी हैं उसके बेसिस पे करी हैं, ठीक है। अब एसएससी क्या डिसाइड करती है, अपनी वैकेंसी का कितना गुना वो बुलाना चाहेगी, कितना वो डिसाइड करेगी, ठीक है, कितना कट ऑफ आएगा, वो उस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द आप बन रहे हो तो आप लोग ऐसे मानो कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फिर भी मैं आप सभी लोगों को एक सलाह फिर से देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसके आसपास आ रहे हैं, ठीक है, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैं फिर से बोलूंगा, आप बहुत मल्टीपल वीडियोस मत देखिए, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कट ऑफ के ऊपर इतनी वीडियोस मत देखिए। आप पहले से हताश मत हो जाइए कि आपका नहीं बन रहा है या आपका नहीं बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग गलतियां करोगे, ठीक है। गलती सबसे बड़ी यही करोगे कि आप तैयारी छोड़ दोगे, आप उतना ज्यादा फोकस नहीं रहोगे, ठीक है। तो फोकस नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, डिसिप्लिन नहीं रहेगी, तो क्या पता अगर कल को आप क्वालिफाई कर गए, उतनी अच्छी तैयारी नहीं आप बना पाए, ठीक है, तो उसमें आपका बहुत वेस्ट होगा, ठीक है, चीजें बेहतर नहीं होंगी, क्लियर है। तो ये थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और उस कमेंट सेक्शन को मैं, अगर लगेगा कि उस पर एक वीडियो बनाने लायक है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से इस बार 2022 के लिए जो सेफ स्कोर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज्ड है ये सब, ठीक है। अगर 10 टाइम्स करते हैं तो ये आ सकता है, 15 टाइम्स आएंगे तो कट ऑफ नीचे आएगी, ये आ सकता है, ठीक है। चलो, तो आप सभी लोग तैयारी करो मेरे भाई, बहुत बढ़िया से आप लोग लगे रहो एकदम, मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेज हैं, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर तुम लोग पिन करना, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे। बाकी मेंस के लिए लगे रहो, थैंक यू सो मच एवरीवन।